वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट हुईबी ग्लोबल अकाउंट विद ए स्पेशल रेफरल कोड। दोस्तों हुईबी ग्लोबल में अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से किसी ब्राउजर पे या प्ले स्टोर में जाके हुईबी प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद एप्लीकेशन को ओपन करते ही कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। वेलकम टू हुईबी ग्लोबल, यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज चले आएगा। यहाँ आप फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो मैं इनमें से ईमेल आईडी को चुन लेता हूँ। इसके बाद अपना कंट्री चूज करेंगे, नेक्स्ट ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद सेंड वेरिफिकेशन कोड पे टैप करके ईमेल आईडी को कन्फर्म कर देना। इसके बाद 8 कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना होगा, जिसमें अपर एंड लोअर अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्विटेशन कोड, इन्वाइट कोड या रिफरल कोड पर टैप करके BDS73223 कोड को डालना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के समय अगर आप हमारे स्पेशल रेफरल कोड को यूज़ करेंगे तब आपके अकाउंट में अप टू 30% ट्रेडिंग फीस का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ न्यू यूज़र के लिए हुईबी कंपनी की तरफ से बहुत सारे स्पेशल ऑफर भी रहेगा। दोस्तों इन सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद डन पे टैप करेंगे। फॉर बेटर यूजर एक्सपीरियंस ऑन हुईबी, क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में अगर आप पहली बार एंट्री कर रहे हो तो बिगिनर चूज़ कीजिए, नहीं तो सेकेंड ऑप्शन चूज़ करना है। दोस्तों साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे KYC वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। KYC डिटेल्स डालने के लिए वेरीफाई पे टैप करेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट फोटो कैसे कैप्चर करके अपलोड करना है वो देखने को मिलेगा। यहाँ आप ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट के थ्रू KYC कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो ID कार्ड में आप वोटर या आधार कार्ड डिटेल्स सबमिट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ID कार्ड को चूज़ कर लेता हूँ और ID कार्ड में हम आधार कार्ड को यूज़ करेंगे। स्कैन ID कार्ड फॉन्ट, ये जो रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर आधार कार्ड का फॉन्ट साइज रखना होगा कुछ इस तरीके से, उसके बाद ये ऑटोमेटिक स्कैन कर लेगा। स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो KYC रिजेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट आधार कार्ड का बैक साइड स्कैन करना है, फिर कंटिन्यू करके लास्ट टाइम में इस फ्रेम के अंदर अपना फेस को रखना होगा, तो ठीक से इस फ्रेम के अंदर अपना फेस रख के कैप्चर कर लीजिए, फिर सबमिट कर देना। दोस्तों डॉक्यूमेंट सबमिट करने के 24 घंटे के अंदर आपका KYC वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद एप्लीकेशन को लाइट मोड से एडवांस मोड में चेंज कर लीजिए। हुईबी ग्लोबल एक्सचेंज में ज्वाइन करते ही आपको कुछ गिफ्ट दिया जाएगा, यहाँ वेलकम बोनस पे क्लिक करके आप क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप हुईबी ग्लोबल में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था, तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।